बोकारो दिनभर में आज चास के पिपरा टाउन में बनने वाले मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जमीन के पास कथित अतिक्रमण करने वाले बोकारो प्रशासन की कड़ी चेतावनी, जल्द जमीन खाली करने का आदेश, बताएंगे पूरा मामला बस थोड़ी ही देर में। वेदांता ESL को एक और सम्मान, उसकी भी देंगे जानकारी। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिनभर लेकर। बोकारो की खबरों में GGPS बोकारो का डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर होप हॉस्पिटल ने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन। BSL के विभागों में भी महिला दिवस की रही धूम, इसकी भी बात करेंगे। बात ओमिक्रोन और कोरोना के भी करेंगे, चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते देश और दुनिया का हाल। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 14वें दिन भी जारी। हालांकि इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ समझौता करने के संकेत दिए हैं। भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी गुरुवार को आएंगे। वोटों की गिनती गुरुवार सुबह शुरू होगी और दोपहर देर बाद हार जीत की स्थिति स्पष्ट हो जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के कमिश्नर ने EVM की आवाजाही के प्रोटोकॉल में चूक की बात को स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है ये मशीनें सिर्फ ट्रेनिंग के उद्देश्य से लाई गई थी। सोने की कीमत 19 महीनों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। 54,700 रुपए के ऊपर चली गई सोने की कीमत। चांदी की कीमत 3600 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 1223 अंक और निफ्टी 331 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को मिलेगा 5,00,000 का मुआवजा, जबकि दुर्घटना होने पर मुआवजा 50,000 रुपया होगा। झारखंड में विद्यालयों में खेल सामग्री खरीदने के लिए 35,000 स्कूलों के करीब 18 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड में उन संपन्न लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है जो गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर गरीबों का अनाज उठा रहे हैं। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो प्रशासन ने चास प्रखंड के पिपरा टाण में बनने वाले मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के जमीन के पास कथित अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए उस जमीन को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दिया है। प्रशासन ने साथ ही साथ चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अतिक्रमण न हटने के स्थिति में प्रशासन तुरंत ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के लिए जियाडा का कुल 5 एकड़ जमीन दी गई है और बोकारो प्रशासन के अनुसार उस जमीन के पास कच्चा मकान और खटाल बनाकर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रशासन ने कथित अतिक्रमणियों को एक सूची भी जारी की है। चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को बताया कि उस अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अंचल अधिकारी चास ने भूमि पर अतिक्रमण किए गए लोगों को नोटिस भी जारी किया है, फिर भी जमीन पर अब तक खाली नहीं हुई है। शेखावत ने बताया कि मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर, किडनी, हार्ट, नीरो इत्यादि जैसे गंभीर रोगियों का इलाज होगा, जिसमें अधिक्रमित भूमि पर खटाल बनाकर अतिक्रमण के कारण हॉस्पिटल शुरू करने पर इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात बोकारो के कोरोना की रफ्तार की। मंगलवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार और मंगलवार के बीच 24 घंटे में बोकारो जिले में 5 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और सोमवार को एक्टिव कोरोना मामले की संख्या 15 रह गई। उस दिन 2 लोग कोरोना को मात भी दिया। वेदांता ESL स्टील लिमिटेड को ओक्रोमिक पॉइंट द्वारा आयोजित 5वें वार्षिक GST शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2022 में बेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स टीम अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सभी सदस्य फॉर्म टैक्स में सबसे अधिक क्षेत्रीय ताकत और गहराई को प्रदर्शन करने और कर सेवा पेशेवरों की टीम द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि को पहचानने के लिए है। वेदांता ESL की टीम लीड डिप्टी जनरल मैनेजर राजेश कुमार पांडे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर महेश अय्यर के मार्गदर्शन पर काम कर रही थी। ESL के CEO अनिल बट्टे ने कहा कि ESL को टैक्स विशेषज्ञता के लिए उद्योग की मान्यता प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है। GGPS सेक्टर 5 बोकारो ने 29वें डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। बोकारो स्टील सिटी के क्रेसेंट पब्लिक स्कूल में सेक्टर 6 में हुए इस प्रतियोगिता में GGPS सेक्टर 5 ने कुल 33 मेडल जीता, जिसमें 11 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है।
बोकारो डिस्ट्रिक्ट के जो कंपटीशन था ताइक्वांडो का, ये 29th ताइक्वांडो कंपटीशन था, उसमें हमारे बच्चे का जो रिजल्ट है वो सराहनीय है। सच में हमारे स्कूल के लिए और हमारे बोकारो शहर के लिए बहुत बड़ा लॉरेल्स लाया है। हम सब इसके लिए बहुत खुश हैं और बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को इसके लिए हम बहुत थैंक्स देंगे और हमारा रिगार्ड्स भी रहेगा, बच्चे के लिए हमारा गुड विशेज है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 4 स्थित होप हॉस्पिटल में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर मीता सिन्हा और डॉक्टर अनुप्रिया के द्वारा आयोजित इस स्क्रीनिंग कैंप में दौरान 65 महिलाओं की जांच की गई और उनमें से 28 महिलाओं का गर्भाशय ग्रीवा में कुछ अस्वस्थ लक्षण होने के कारण पैप सिमरिंग टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को बोकारो स्टील प्लांट के विभिन्न विभागों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह के मानव संसाधन विकास केंद्र के मुख्य सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकारिणी निदेशक प्रभारी बीके पांडे मुख्य अतिथि थे। पांडे ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट की प्रगति में महिला कर्मी कार्यक्षेत्र में नयापन और नई सोच के साथ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। इस मौके पर BSL के सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाली महिला कर्मी रेखा पांडे तथा अन्य 30 महिलाओं कर्मियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस BSL के सुरक्षा विभाग में भी मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक सुरक्षा मनोज कुमार ने झारखंड गिरी रक्षा वाहिनी के 30 महिला कर्मियों को सम्मानित किया। महिला दिवस के अवसर पर बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2C के प्राचार्य JP पांडे ने विद्यालय के सभी शिक्षकों और शिक्षकतर कर्मचारियों को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बोकारो जिला भाजपा महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूह और महिलाओं द्वारा उनके संस्था द्वारा निर्मित वस्तुओं का स्टॉल लगाया। स्टॉल में कपड़े की वस्तु, मिट्टी का दिया, मोमबत्ती, हैंडलूम आदि प्रदर्शनी लगाए गए। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।